yes students good evening everyone namaskar Satyo swagat hai aap sabhi ka, india ke best online learning platform for upsc csc preparations that is ias knowledge mantra ias toppers mantra and this is dr anurag a passionate upsc mentor and expert in the field for the past one decade in offline mentoring having mentored more than 50 toppers in upsc csc examinations in various years आगे बढ़ने से पहले मुझे बताइए इफ आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल सो दैट वी मे प्रोसीड अहेड इन टूडे सेशन तो मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले दैट सेकेंड अक्टूबर संडे के सेशन संडे का सेशन मैंने लास्ट टू वीक्स से मैं मंडे को कंबाइन करके लेता था बट अब संडे को इवनिंग में ही सेशन हो जाया करेगा मंडे टू सैटरडे सेशंस विल बी इन द मॉर्निंग संडे को शाम को सेशन होगा थोड़ा डिटेल्ड द हिंदू आता है

और करंट अफेयर्स का इससे ज्यादा बेहतरीन सेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा पैन इंडिया आवर कोचिंग इनिशियटिव इन पुणे कम ऑनलाइन कोर्सेज फॉर वन ईयर टू ईयर एंड वीकेंड मेंंट अफेयर बैच कोर्सेज तो एक साल का जो कोर्स है वो मंडे टू संडे क्लासेस चलती हैं मंडे मंडे टू फ्राइडे फ्राइडेट्स इन द इवनिंग्स अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम फाइव टू सेवन थर्टी एंड ऑन सैटरडे संडे दे आर थ्रू आउट द होल डे फॉर फोर आवर्स ईच डे और ये 2023 की तैयारी के लिए ये वन ईयर कोर्सेज हैं ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं एंड uh, इसमें फ्री कंटेंट मीन्स अपार्ट फ्रॉम द वीडियो यू आर गोइंग टू गेट बुकलेट्स नोट्स आपको कहीं और कुछ रेफर नहीं करना पड़ेगा प्रलिम्स के 12 टेस्ट सीरीज मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम और साथ में करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड रहेगा उसी के अंदर और टू ईयर कोर्सेज में बता दूट दैट 2024 के प्रिपरेशन के लिए इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड आल्सो द बेसिक टर्म्स उस पर क्लैरिटी सबसे पहले सिक्स टू एट मंथ्स उसी पर काम किया जाएगा जिससे कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन सके यूपीएससी सी एस सी प्रिपरेशन में एंड वीकेंड मेंटरशिप कोर्सेज में बता दू स्टूडेंट्स दैट पी आई बी डाउन टू अर्थ योजना कुरुक्षेत्र साइंस रिपोर्टर एडिटोरियल्स न्यू सिंह की टेस्ट सीरीज और एंसर राइटिंग संपर्क कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए एट थ्री टू नाइन सिक्स जीरो नाइन फोर सेवन जीरो थ्री डबल एट डबल नाइन फोर थ्री एट एंड सेवन टू सेवन सिक्स सिक्स थ्री सेवन जीरो नाइन फोर इन मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए फर्दर डिटेल्स के लिए और uh,

मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएकोर्स जब एक्स्ट्रा लिखिएगांट अफेयर बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज बिकम इंपोर्टेंट आज हम देखेंगे बैकग्राउंड फंगी के ऊपर एक न्यूज आया it, फंगस के ऊपर और उसके टाइप आए हैं हम देखेंगे उसको एंड फुलजेड क्वेश्चन अप्रोच देखा जा रहा है दैट स्टैटिक पोर्शन भी अब न्यूज में बताए जा रहे हैं एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल का ऑफिस यह तीन दिन पहले ही आया था मैंने डिटेल पढ़ाया था आपको उस पर फुल क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है 15 मार्क्स का तो चलिए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए आगे निकलते हैं एटलस निकाल लीजिए जीएस पेपर वन टू थ्री फोर मिनट्स का सिलेबस निकाल लीजिए देखिए मेरे सामने भी सिलेबस है न्यूज नोटबुक निकालिए और तीन चार कलर के पेन निकालिए चलिए बढ़ चलते हैं सबसे पहला न्यूज ये रहा आपके स्क्रीन पर आर्ट एंड कल्चर एंशंट हिस्ट्री से यह पहला न्यूज द मिस्ट्री ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट देखिए तो ये देखिए वाई आर देयर मेनी बट नो कंसेंसिस ऑन वट दिक्टोग्राफिक एंड लोगो सिलेबिक सील्स कन्वे देखिए तो यह किताब एक आई दंडर दैट वॉज हरप्पन सिविलाइजेशन क्यूरेटेड बाई टी एस सुब्रमणियम उसी को लेकर यह हरप्पा सिविलाइजेशन का

कॉपर टैबलेट्स पर बोन पर आइवरी पर ये पाए जाते थे ये यह देखिए यहां पर कुछ स्क्रिप्ट्स देखिए स्टूडेंट्स ये देखिए सिंबल्स, पिक्चर्स। यू कैन सी सिम्बॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये देखिए ये क्या दर्शा रहा है डिटेल क्या मतलब है नहीं पता है ये देखिए फिश भी बना हुआ है तीन लाइंस बनी हुई हैं ठीक ठीक है इन शॉर्ट ये पूरा जो पिक्टो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है इसको लेकर अभी तक सस्पेंस, मिस्ट्री कायम है ये देखिए पर, वाईज द टाइगर fish, साइंस ऑफ with फिश handles, टू vertical टू वर्टिकल स्ट्रोक्स एंड सो above इंस्क्राइब woman सीक टू कन्वे अब आप बोलेगा सर क्या डिटेल पढ़ना पड़ेगा इसको क्या नहीं कुछ नहीं पढ़ना है बस तो इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं देखना यस यस गुड इवनिंग स्टूडेंट बस दिस इज बस इतना काफी है इसके बाद कुछ नहीं ओके सो इन दस स्क्रिप्ट के ऊपर अभी तक रिसर्च चल ही रहा है तो ये स्क्रिप्ट के ऊपर पढ़ लीजिएगा बॉस्त तो खिदौन का मतलब क्या होता है ये देखिए पिक्टोग्राफिक ये देखिए ये, ये पढ़ लीजिएगा इतना बढ़ चलते हैं स्टूडेंट्स इंडियन सॉरी इकोलॉजी एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जीएस पेपर वन ऑब्लिक थ्री का ये देखते हैं न्यूज क्या है सबसे पहला न्यूज ओवर सिक्स थाउजेंड ट्रीज इीगली कट फॉर टाइगर सफारी प्रोजेक्ट इन कॉर्बेट रिजर्व सेज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट एफ देहरादून में बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता हुआ ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये देखिए एवरी टू इयर्स ये वही इंस्टीट्यूशन है स्टूडेंट्स दिस इज द सेम इंस्टीट्यूशन विच पब्लिशेज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट द फर्स्ट पॉइंट सेकंड दिस इज द सेम इंस्टीट्यूशन विच विच दिस कवर्स द डेटा रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर यस फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एंड डेटा बेस्ट मैनेजमेंट दिस इज द इंस्टीट्यूशन विच यस एंड लेट सी वट इज दिस इंस्टीट्यूशन टॉकिंग अबाउट टाइगर सफारी इज वेरी कॉमन इन दाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया और यह देखिए उत्तराखंड का एक टाइगर रिजर्व है यहां पर नोट कीजिए उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व जिस नैनीताल के वेस्ट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये देखिए ऑन द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश देखिए यहां पर नैनीताल उत्तराखंड में यह देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहां पर और देखिए यूपी के बाकी जिले देखे यहीं पर बिजनौर नगीना नजीबाबाद ऑल दीज डिस्ट्रिक्ट लाई इन उत्तर प्रदेश जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व इज ऑन द बाउंड्री और जिम कॉर्बेट के बाहर में मैं बता दूं आपको अभी दिस रीज रीजन दिस रीजन नियर बिजनौर यहां पर उत्तर प्रदेश ने भी टेक टाइगर रिजर्व सेट किया है एज अ एज अ बफर एज अ बफर ऑफ जिम कॉर्बेट दट इज अमनगढ़ रिजर्व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमनगढ़ रिजर्व नोट कीजिएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज द रिजर्व द कंटिन्यूएशन ऑफ जिम कॉर्बेट इन साइड उत्तर प्रदेश और अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर के का, टाइगर सफारी के कारण पेड़ कट गए हैं आपका ये वैल्यू एडिशन न्यूज है डिकोड इंटरलिंग कहां पर डीफॉरेस्टेशन यस ये देखिए ट्रीज बिंग फेल्ड यू कैन सीट हर इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये डीफॉरेस्टेशन का उठा लीजिएगा न्यूज केस स्टडी केस एग्जाम्पल इज इट क्लियर टेल मी स्टूडेंट्स तो बस यहां से इतना ही इंपॉर्टेंट डीकोड इंटरलिंग के लिए एंड सेकेंड पॉइंट अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट उत्तर प्रदेश जिम कॉर्मेट इज इन विच स्टेट उत्तराखंड बोथ आर इन कंटिन्यूएशन यस अमनगढ़ इज इन बिजनौर उत्तर प्रदेश ये देखिए चलिए गवर्नमेंट का सफारी प्रोजेक्ट है लेकिन मैं बता दूं आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वहां पे मैनेजमेंट चलता है ठीक है लोकल लेवल पर और इन लीगल फेलिंग का मतलब है दैट देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉस इज नॉट मीन्स बींग डन विदुल अर्नेस्ट यही इसका साफ साफ दिख रहा है इम्पैक्ट मैं बता दू दैट फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया एंड टाइगर रिजर्व दो है लोअर लेवल दिस रेंजर्स एंड जो ऑफिशियल्स रहने चाहिए फॉरेस्ट के और मैनेजमेंट में बहुत कमी है तभी तो जाकर पोचिंग का और बाकी चीजों का आप इंसिडेंट सुनते रहते हैं आप मुझे देखिए काजीरंगा में दो हजार चार सौ उनहत्तर टू फोर सिक्स नाइन वन हॉर्न ड्राइनोसेरस के हॉर्न कैसे पाए गए थे मुझे बताइए जब काजीरंगा नेशनल पार्क गवर्नमेंट का है दिस शोज अ क्लियर क्लियर लैक्सिटी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट लॉस मी स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं लेट्स सी सो लेट्स प्रोसीड अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक हाउ कैन इंडिया रिड्यूस इट्स इंपैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग सो दिस इज अ साइंस एंड टेक पेज ऑफ द हिंदू टुडे एंड यू कैन सी इट हियर

मार्क्स क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया के क्लाइमेट चेंज गोल्स को अगर सफल बनाना है तो फार्मिंग सेक्टर को, को भी गोल्स देने पड़ेंगे तभी जाकर तो ठीक हो पाएगा अदरवाइज इंडिया में केवल इंडस्ट्रियल एमिशंस और बाकी चीजों पे काम करके नहीं हो पाएगा कुछ यही आर्टिकल टॉक कर रहा है वेरी वेरी गुड पॉइंट देखिए लेट सी द यूएस एनवायरमेंटल प्रोटक्शन एजेंसी ई

नेक्स्ट टाइम इंक्रीज हो जाएगा चिंता मत कीजिए ठीक है है uh, दिस uh, मुझे भी लग रहा थोड़ा सा कम हो गया ज़्यादा ही तो अलार्मिंग इंक्रीज एटमोस्फेरिक कार्बन हैव इंक्रीज बाईर फोर्टी परसेंट फ्रॉम 280 पार्ट्स पर मिलियन इन द टू सेंचुरी टू फोर पार्ट्स पर मिलियन इन टू ठीक है

तो दिस 1.4 बिलियन टुडे हो गया है आज पॉपुलेशन इंडिया का 170 मिलियन पीपल से इट हेल्प इन नोट कीजिएगा ये जो बढ़ा है, इसको इंडस्ट्रियल पॉवर्टी बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस ये देखिए पॉवर्टी तो कम होगा जब भी विकास होगा ना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल की नहीं जब विकास, तो भी विकास द डेवलपमेंट होगा तो पॉवर्टी तो कम होगा लेकिन साथ में कौन कॉमिटेंट इंपैक्ट एनवायरनमेंट। एंड दैट इंडिया इंपॉर्टेंट डेटा कम्स एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन साइट पॉइंट रूरल टेल मी स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा ये देखिए सत्तर तो परसेंट देश की जनसंख्या एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और इसीलिए दिस गिव्स अस अ टोटल फूड प्रोडक्शन ऑफ 275 मिलियन टन इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस व्हीट शुगर केन कॉटन एंड ग्राउंड नट्स इट दस बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट इंडिया ट्राई एंड रेड्यूस इट्स कार्बन फुटप्रिंट एज मच एज पॉसिबल मोर इन इट्स फार्मिंग सेक्टर मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्लियर है मुझे बताइए फार्मर्स और फार्मिंग सेक्टर में चेंजेस हो रहे हैं पहला सोलर पैनल्स इन द फील्ड कैन विच कैन अवॉइड पंप्स वेरी गुड पॉइंट पहला पॉइंट अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन फार्मर्स इंडियन फार्मर्स कैन शिफ्ट द्रॉपिंग पैटर्न यस टू मोर सस्टेनेबल क्रॉप लाइक मिलेट ये देखिए कहा जा रहा है मिलेट्स वुड बी मोर सुटेबल देन राइस व्हीट सिस्टम मुझे बताइए स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही है यस yes? और यही यहां लिखा हुआ है दैट राइस और व्हीट जो क्रॉपिंग सिस्टम है इस पर यूपीएससी ने दो साल पहले मेन्स का क्वेश्चन दाग दिया था पेपर में एंड यहां पे लिखा हुआ दैट वी कैन गो फॉर द मिलेट्स प्रोडक्शन ये देखिए बाजरा कसावास प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी देयर एंड दीज मिलेट्स आर सुपर फूड्स यस न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं इनको न्यूट्री सीरियल सुपर फूड्स एंड दे लीड टू लेसर एमश एज कंपेयर टू राइस यस तो डुअल फायदा हो रहा है मिलेट्स ग्रो करने का स्टूडेंट ये देखिए अमन गोल इंडिया चिकन मटन एंड फिश इंडिया मेरी रिवर्स इज रेस्ट इन फिशेज

अचीव करने हैं तो इंडिया क्लाइमेट चेंज गोल्स मस्ट इनकंपास द फार्मिंग सेक्टर इफ दे हैव टू बी सक्सेसफुल डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट 10 मार्क्स 150 वर्ड्स फार्मिंग सेक्टर में क्या-क्या चेंजेस -क्या कर सकता है इंडिया जिससे कि इंडिया क्लाइमेट चेंज में पंचामृत वाला जो गोल है वो अचीव कर सके और मैं बता दूं ये भी दैट अभी एट प्रेजेंट वी कैन इवन टारगेट की क्लाइमेट चेंज गोल्स हम लोग सफल बना देंगे बिना फार्मिंग सेक्टर के ये हो ही नहीं सकता हमारे देश के लिए तो आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ next, ये देखिए लाइट थोड़ी कम है वाकई में मुझे लग रहा है अभी कुछ ज्यादा ही मैंने कम कर दिया नहीं ठीक है कल ठीक हो जाएगा चिंता मत कीजिए उसके लिए भी स्टडी करना पड़ता है कैसे कम करें और कैसे तेज करें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन रिक्वायर स्किल स्किल के लिए यूट्यूब वीडियो देखिए हैडेक कीजिए पहले एक घंटा तब जाकर लाइट ऊपर नीचे कीजिए आइए आगे बढ़ते हैं कमिंग बैक टू द टॉपिक मेडिसिनल फंगी मे बी सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग नोवेल ड्रग्स ये देखिए मेडिसिनल फंगी ये देखिए एक फंगस का वराइटी है ये देखिए एक फंगस का वराइटी है मशरूम ये देखिए स्टूडेंट्स है देखिए ये फंगस देखिए ये फंगस का वराइटी है मशरूम इसकी फैमिली है बेसिडियोमाइसीड्स या बैसी डो माइकोटा ये देखिए अब देखे, सर ये सब क्या पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा अगर आप बात कर रहे हैं पढ़ने की तो पढ़ना पड़ेगा द हिंदू ने दे दिया तो आपको पढ़ना पड़ेगा ओके एक और भी मशरूम का वैरायटी पाया जाता है इन एस्को या एस्को ये देखिए आइए देखते हैं ये न्यूज क्या है और ये मशरूम क्यों क्यों न्यूज में चल रहा है आइए देखते हैं स्टूडेंट्स

स्ट्रेस का मतलब ये मत सोचिएगा टेंशन होता है फंगी को ठीक है स्ट्रेस का मतलब होता है स्टूडेंट्स दैट ओके स्ट्रेस का मतलब होता है दिस व्हेन द सराउंडिंग कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगी दैट्स इट तो सो दीज आर नॉट स्ट्रिक्टली एसेंशियल एंड हेंस द नेम सेकेंडरी ये मेटाबोलाइट चाहिए नहीं प्राइमरी मेटाबोलाइट चाहिए होता है किसी को भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट ओनली स्ट्रेस के समय चाहिए होता है इन द रॉन्ग कंडीशन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसकी बात चल रही है कॉर्डिसेपिन ये देखिए कॉर्डी सेपिन प्रोड्यूस बाई कॉर्डी सेप स्पीसीज ऑफ फंगस इज नोन टू हैव एंटी ट्यूमरस प्रॉपर्टीज ये देखिए अब कॉर्डिसेपिन क्या होता है यहां देख लीजिए स्टूडेंट्स कॉर्डी सेपेन इट्स इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ समल टेकन आउट फ्रॉम द फंगस कॉर्डी से देखिए बट कैन नाउ बी प्रोड्यूस सिंथेटिकली लैब के अंदर प्रोड्यूस हो सकता है ये नोट कीजिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या लिखा हुआ इसके बारे में सो दिस दिस इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट And diverse structures ये देखिए। In the analysis, the researchers guided by Arjith Samal from IMSC found that the secondary metabolites were structurally distinct from existing drugs. And uh, बस यहाँ से इतना काफी है। इसमें एक last paragraph important है students ये देखिए। Used in medicine, ये this is the most important point. Medicinal fungi belongs to two divisions Basidiomycota and Ascomycota। ये देखिए। पढ़ लीजिए अब यहाँ लिख दिया गया है। ये देखिए। टा एंड एसको मशरूम्स बिलोंग्स टू पीएमटी की तैयारी की किताबों में से सवाल पूछ रहा है स्टैटिक से ये स्टैटिक नहीं है न्यूज में आया है नोट कीजिएगा स्टैटिक टॉपिक है लेकिन टॉपिक न्यूज में है, इसलिए सवाल पूछा जाएगा इसके लिए किताब बायोलॉजी की ओपन करके

एस्को माइकोटा तुरंत माइकोटा कैसे याद करेंगे चाइना। जो कोई नहीं खाता वो चाइना वाला खा लेते हैं. तो ये देखिए पर का एक टाइप है इसारिया और इसको इस्तेमाल होता है चाइनीज मेडिसिन में डेंजरस है एस्को माइकोटा में सारे फंगस यूजफुल नहीं होते हैं, लेकिन चाइना है सब ठीक है गेटिंग द पॉइंट तो ये देखिए बैसिडियो कोटा एंड याद कर लीजिए एसको माइकोटा चाइना याद कर लीजिए नथिंग एल्स एंड सेकेंडरी आर केमिकल दैट फंगी प्रोड्यूस दे दैट्स इट इन दिस न्यूज कुछ नहीं चाहिए और टेक्निकल डिटेल से देख लीजिएगा ये देखिए बैसिडियो माइकोटा आपने पढ़ लिया एस्को माइकोटा में चाइना लिख लीजिए यहां पर याद हो जाएगा ये देखिए कुछ नहीं चिंता करने की बात है ओके नेक्स्ट टॉपिक आइए पढ़ते हैं ये देखिए कैमल फेयर मुझे शुरू शुरू में समझ में नहीं आया द हिंदू ने भी अपना फोन वगैरह मॉडिफाई कर दिया है ओके मुझे लगा कोई ऑनलाइन गेम का मैं नाम पढ़ रहा हूं क्या ठीक है कैमल फेयर नाम है इसका ये देखिए इस न्यूज का द हिंदू का पुराना तरीका मुझे ज्यादा बेहतर लगता था ये देखिए कैसा फोनट है फोन देख के पढ़ने में ही पहले स्क्रीन टाइम बढ़ेगा उसके बाद टेंशन बढ़ेगा ये देखिए चलिए तो ये क्या, ये क्या न्यूज आया है द हिंदू में भुज के पास भुज डिस्ट्रिक्ट में कच्छ में एक जगह है सनोसरा 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 विलेज ये देखिए एक हिल्स का नाम है वहां पर कैमल फेयर लगता है ये देखिए स्टूडेंट्स कैमल फेयर लगता है और यहां पर एक, आ, दिस, एक टाइप ऑफ ट्राइब्स है देखिए रबारीज रिज आर नोमैट्सो द रेन इन सर्च फॉर गुड प्रेशर फॉर कैटल तो रिज रबारी राबरीज कह लीजिए रबरीज आर नोमैट नोमैट्स मतलब क्या होता है who go from one place to another. In search, यहां पर क्या लिखा इन सर्च ऑफ रेन फॉर गुड प्रेशर फॉर कैटल ट्रेवलिंग ईस्ट फ्रॉम गुजरात टू राजस्थान एंड गो वेल इन टू तो उत्तर प्रदेश ये देखिए इस बार लेकिन नहीं गए हैं क्योंकि इस बार बारिश हो गई है कच्च में ही ये देखिए कच्ची इन्हें ये देखिए ठीक है एंड ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स इस जगह पर क्योंकि यहां से आ सकता है ये देखिए ये ऊंट है इन ऊंट को ये लोग रखते हैं ये ऊंट को हल्के में मत लीजिएगा कैमल्स द क्वेश्चन पेपर इन द पास्ट याद कीजिए खराई कैमल 2017 थाउजेंड सेवेंटीन जो मैंग्रोव के ऊपर मैंग्रोव के ऊपर फीड करता है और रन ऑफ कच में पाया जाता है यूपीएससी ने सवाल पूछा था उसके ऊपर ये देखिए बात समझ में आ रही है तो ये देखिए कैमल खरई कैमेल मैंग्रोव रन ऑफ कच और ये देखिए कैमल देखिए स्टूडेंट्स यहां पर है लुक दिस इज अ कैमल ये यहां पे कैमल का फेयर लग रहा है कहां पे सनोसोरा हिल्स में भुज में सनोसरा हिल्स पूछ सकते हैं कहां पर है एंड ये रा, राबरीज क्या है दे आर नो हैं स्टूडेंट्स लेट सी द नेक्स्ट टॉपिक ये देखिए टर्म्स राबरीज सनोसरा हिल्स एंड कैमल फेयर आइए नेक्स्ट टॉपिक जीएस पेपर टू का इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस टॉपिक इंदौर बैग्स क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर सिक्स ईयर मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट अमंग स्टेट स्वच्छ सर्वेक्षण टू थाउजेंड ट्वेंटी टू क्लीनस में रैंकिंगलिए रैंक वन पर सूरत रैंक टू पर नवी मुंबई रैंक थ्री पर ये तीन सबसे सुंदर स्वच्छ शहर स्टेट्स में देखिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश रैंक वन पर छत्तीसगढ़ रैंक टू पर महाराष्ट्र रैंक थ्री पर ड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज देखिए लोकल गवर्नेंस का टॉपिक है स्टूडेंट्स ये लोकल गवर्नेंस इज दॉपिक मुझे बताइए <laughs> तो ये देखिए लोकल गवर्नेंस लोकल गवर्नेंस का टॉपिक है ये और साथ में अगर लेस देन हंड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज हैं ओके ओके तो उसमें त्रिपुरा झारखंड एंड उत्तराखंड ये देखिए तीन स्टेट्स ठीक है अब कैसे अवार्ड मींस अब सिटीज होंगे बिल्कुल कुछ ना कुछ तो मींस वहां पर गवर्नेंस में चेंजेस हुए होंगे इंदौर में सुने हैं कि बहुत इंप्रूवमेंट्स हुए हैं क्लीनिनेस में बट यस मेनी सिटीज द पोजीशन एंड उसमें पुणे शहर का भी नाम देना जरूरी है ठीक है दिल्ली पुणे सब बाहर हो गए देख रहे हैं आप यहां से ओके आज तो पुणे कल रात से न्यूज में चल रहा चांदनी चौक का ब्रिज डेमोलिशन चल रहा था चांदनी चौक पुणे में भी है एन के ऊपर बेंगलोर मुंबई हाईवे पर और एक ब्रिज था जिसके कारण ट्रैफिक जाम्स बहुत लग रहे थे उसी कंपनी को बुलाया गया जिसने नोएडा के ट्विन टावर्स का डेमोलिशन किया था और उस कंपनी ने यहां डेमोलिशन के लिए कल रात में एक बजे एक्सप्लोसिव लगा के डेमोलिशन किया गया बट इट वॉज द ब्रिज वॉज मच मोर स्ट्रोंगर टाइम लगा उससे हटाने में क्योंकि उसके स्टील का स्ट्रक्चर हैंगिंग था इवन आफ्टर द एक्सप्लोजन सो so, आज सुबह आठ बजे तक आ, कहा गया था सब क्लीन हो जाएगा और बारह घंटे का कर्फ्यू लगाया गया था लेकिन उसके बावजूद क्लीन मींस डेबरिज क्लीन होने में दोपहर के दो तीन बज गए और ओपन अप करने में ट्रैफिक तो चलिए झारखण्ड का रैंक टू है वही तो मैं बोल रहा हूं ना देखिए थोड़ा नोट कीजिए हंड्रेड अर्बन लोकल बॉडीज में त्रिपुरा के बाद झारखंड का स्थान चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स ओके लेट्स सी तो आ, ये देखिए दिस इंदौर का न्यूज हो गया और सिटीजन्स के बिना क्लिनिनेस हो नहीं पाएगा यस yes. एग्रीड नहीं मुझे बताइए देखिए आर्मी एक्सपेक्ट्स टू बूस्ट फायर पावर विद इंडक्शन ऑफ आर्टिलरी गन्स मैं ये भी बता दूं जो आप सर्वेक्षण में अगर आपका शहर दिख रहा होगा सामने तो आपको लग रहा होगा मैं तो बाहर निकलता हूं तो उतना सफाई है नहीं तो कैसे साफ रैंक वन रैंक टू पे आ गया चिंता मत कीजिए बाकी लोगों से पूछ लीजिएगा कि आपका शहर वाकई में रैंक वन पर है यस। तो आइए देखते हैं

फायर पावर के साथ बूस्ट हो जाएगी दैट्स इट ये देखिए एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे रखने का मेन मतलब ही ये है दैट चाइना के बाउंड्री पर और पाकिस्तान के बाउंड्री पर अपने आ, अपने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देना यस yes, इंडिया ने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने में बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं और उसमें ये भी एक स्टेप है दैट्स इट चलिए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ ये बस वैल्यू एडिशन रहेगा यहां पर ठीक है आइए गवर्नेंस में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक पर आज डिस्कशन करना है डज स्क्रैपिंग ऑफ अवार्ड सिग्नल मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज आज ये साइंस एंड टेक में ये न्यूज़ आया है स्टूडेंट्स डिटेल में देखिए ये देखिए ये न्यूज़ आया है और देखते हैं क्या ये न्यूज़ आया है एक इंडिया में अवार्ड दिया जाता था ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आइए देखते हैं कौन सा अवार्ड था देखिए स्टूडेंट्स यहां पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया सितंबर 26 को हर साल दिया जाता था लेट सी सो दिस वाज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वाज गिवन फाइव लाख रुपीस इच अवार्डेड टू नोटेबल एंड आउटस्टैंडिंग रिसर्च अप्लाइड रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन ये देखिए बायोलॉजिकल साइंसेज केमिकल साइंसेज अर्थ एटमोसफियर ओशन एंड प्लेनेटरी साइंसेज इंजीनियरिंग साइंसेज मैथ्स, मेडिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज इस फील्ड में ये आठ डिसिप्लिन में दिए जाते थे शांति स्वरूप भटनागर प्राइस के अंडर में पांच लाख रुपए ये देखिए सो दिस यू कैन सीट है सर शांति स्वरूप भटनागर ट्वेंटी फर्स्ट फरवरी एटीन नाइनटी फोर टू फर्स्ट जनवरी नाइनटीन फिफ्टी फाइव was an Indian chemist, academic and scientific administrator, the first Director General of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR ke pehle Director General. He is revered as the father of research laboratories in the country. He was also the first chairman of the UGC, University Grants Commission, very very important students. In 1958, unke, unke death ke baad, in 1958, to honour his name and legacy, the Indian Council of Scientific and Industrial Research, CSIR.

तो आइए देखते हैं क्या है इसके बारे में न्यूज लेट सी द गवर्नमेंट ऑर्डर शट्स डाउन ऑल प्राइवेट एंडोमेंट देखिए गवर्नमेंट वॉज नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग ईच ईयर सेवेंट सिक्स इज सेलिब्रेटेड बाई द इंडियन साइटिफिके ऑफ प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर चार बट ऑफ इंडियन साइंस इन फोर्टीज एंड ऑफ सी एस आई आर ये देखिए दिस इज ऑल्सो डेन गवर्नमेंट अनाउंसड

Those and a few high Instead, सरकार ने कहा है कि अब सारे अवार्ड्स बंद अब केवल एक अवार्ड शुरू विज्ञान रत्न नाम रहेगा उस अवार्ड का विज्ञान रत्न ये क्या है सर ये अवार्ड है ये देखिए विज्ञान रत्न ये नया अवार्ड है बहुत बहुत कम अवार्ड्स रहेंगे अब

कितने सेलेक्ट लोगों को दिया गया अवार्ड जो कि क्लोज थे पॉलिटिशियंस के या क्लोज थे बाकी लोगों से वही यहां लिखा हुआ है सिलेक्शन कमेटी ठीक है ये खाम, खामी थी ये गलती थी ठीक है लेकिन लेकिन इसके अलावा जो प्राइवेट पैसे से और चैरिटी से आ रहा है अवार्ड्स का पैसा जिसका मींस उसको खत्म करने की तरफ जो इशारा है सरकार का उस वो समझ नहीं आया वही इस पेपर में लिखा वही देखिए यहां पर माइनोरिटी गवर्नमेंट मोटिव आर लाइफ इट वॉज था पार्ट ऑफ दल ऑस्टेटी डाउन टर्न ये देखिए कोई कह रहा है पैसा नहीं है सरकार के पास में पैसा नहीं है अरे सरकार कहां पैसा दे रही है उसका वो प्राइवेट कंपनी दे रही है पैसा उसको सरकार के थ्रू दे रही है पैसा नहीं है कितना पैसा चाहिए भाई ये देखिए है कितना पैसा चाहिए जीडीपी का क्या क्या जीरो पॉइंट वन परसेंट या वन परसेंट अरे जीरो पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट इतना चाहिए पैसा ये देखिए लिखा हुआ है

ये वही बात हो गई इस बार पेयर्स आए हैं में मैं अगले से प्रीलिम्स नहीं दूंगा मैं में। मत बैठो। तो यहां पर ये चिंता की बात है राउंडिंग एरर जैसा पैसा खर्च कर रही थी सरकार इस अवार्ड में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड में एंड सेकेंड पॉइंट देखिए प्राइवेट अवार्ड में क्या दिक्कत थी यही तो नहीं समझ में आ रहा है अभी रीजन नहीं लिस्ट आउट किए गए हैं ये देखिए देखिए साइंस एंड टेक में स्टूडेंट्स जो लैब में रिसर्चर होते हैं दस बीस साल बाल सफेद हो जाते हैं बिना धूप को दिखाए हुए एग्री कर रहे हैं बाल खत्म हो जाते हैं हेल्थ खत्म जीवन खत्म लैब के अंदर बैठे हुए हैं प्राइज नहीं मिलेगा कैसे काम चलेगा आप कहिएगा सर प्राइज तो मिलेगा विज्ञान रत्न कितने लोगों को तीन चार लोगों को पांच लोगों को क्या उससे काम चल जाएगा मुझे बताइए क्या साइंस एंड टेक में क्या आज की तारीख में चार पांच लोगों को प्राइज देने से काम चल जाएगा नहीं इतने रिसर्च हो रहे हैं हमें हर फील्ड में प्राइज देना पड़ेगा रिप्लेस किया जा रहा है कोई दिक्कत नहीं लेकिन अब नए प्राइजेस आने चाहिए दैट्स इट इट द ऑर्डर नॉट नॉट वुड हैपन टू सेट इफ इज अब कहा जा रहा है जो प्राइवेट एंडोमेंट आएंगे उसको अवार्ड में नहीं देना है तो कहां रखना है किस जगह रखा जाएगा यह भी नहीं समझ में आ रहा है ये देखिए वो तो पैसा देगा ही ना प्राइवेट कंपनी ये देखिए यहां पर है लुक And and another odd, oddity about this order is that all all the the ministries have been told to stop non-core domain awards. अच्छा we'll see it in the coming days. But science and tech needs support दस साल बीस साल खराब करके बाल सफेद करा के बिना धूप में दिखाए हुए और टेंशन में रहकर रिसर्च करके अगर प्राइज नहीं मिला तो दिक्कत की बात है देश में

प्राइज़ नहीं देना है लिखा हुआ कि क्योंकि आपका नॉन कोर डोमेन है ये देखिए दिक्कत की बात। with the of the कैसा रहेगा इवॉल्व करेगा बट प्राइजेज नीड टू कम अपन कोर डोमेन में भी एग्री कर रहे हैं मुझे बताइए स्टूडेंट्स

और तभी आईपीआर बढ़ेंगे इंडिया में और कुछ नहीं कहना है मुझे यहां पर आइए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस किए गए हैं जो रिसर्चर्स खुश नहीं है जिस पर एक बड़ा चेंज है न्यू बैंक अकाउंट फॉर ईच न्यू प्रोजेक्ट एंड मीटिंग ऑल ऑफ दैट प्रोजेक्ट ओनली थ्रू दैट स्पेसिफिक अकाउंट दिस वुड नॉट जस्ट लीड टू मोर पेपर वर्क बट वुड क्रिएट मिकल सिचुएशन सजेस प्लेसिंग मल्टीपल ऑर्डर सेमिकल फॉर द सेव बिकॉज इट इज ऑफरेंट प्रोजेक्ट क्या बात है ये वही बात हो गई कि आपके पेरेंट्स ने, ने पैसा देते हुए आपको कहा ऐसा है ना बेटा तैयारी करने जा रहे हो दिल्ली या कहीं पे भी पुणे जा रहे हो तैयारी करने तो चार पांच बैंक अकाउंट खोल लो छउंट खोल लो आपने कहा छह बैंक अकाउंट किस चीज के लिए खर्चा अलग दिखाने के लिए पहला जीएस पेपर वन में कितना खर्चा बैठ रहा है पेन का पेंसिल का रबर का इरेजर का शार्पनर का ओके ये सब एक जीएस पेपर टू में कितना बैठ रहा है जीएस पेपर थ्री में कितना बैठ रहा है जीएस पेपर फोर में कितना बैठ रहा है उसके बाद ऑप्शन में कितना बैठ रहा है पेपर वन पेपर टू में फिर एस में कितना बैठ रहा है फिर खाने में कितना बैठ रहा है फिर रेंट में कितना बैठ रहा है सबके लिए अलग अलग बैंक अकाउंट ओपन कर लो बहुत अच्छा रहेगा आपने कहा ऐसा है ना तैयारी छोड़ देते हैं रखिए पैसा सारा बैंक अकाउंट अपने पास नहीं करना तैयारी ये बैंक अकाउंट मैनेज करने में ही जीवन चला जाएगा तैयारी क्या होगी बताइए मुझे स्टूडेंट्स क्या ये इस तरीके का सिचुएशन इसी पर ये विड्रॉ किया गया ऑर्डर ये देखिए जब बैकलैश होता है तुरंत सरकार ने विड्रॉ किया ये ऑर्डर दैट नहीं नहीं ठीक है वापसी उसी जगह पर यानी बैंक अकाउंट अलग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के हर प्रोजेक्ट का अलग बैंक अकाउंट दिक्कत की बात है एक साइंटिस्ट है तीन चार जगह पर तीन चार जगह प्रोजेक्ट तीन चार प्रोजेक्ट कर रहा है एक ही लैब में सबके लिए अलग बैंक अकाउंट बहुत दिक्कत की बात है तो यही देखिए यहां लिखा हुआ स्टूडेंट इस जगह पर और आप बताइए आप तैयारी छोड़िएगा कि नहीं अगर ऐसा कोई आपको मैंडेटरी कर दिया जाए कि बैंक अकाउंट मैनेज करो तो बैंक अकाउंट ही मैनेज कीजिएगा दिन भर आप आप पढ़ाई कब कीजिएगा नहीं उसमें मालूम चला कि मैं रजिस्टर ले आए अब जीएस पेपर वन में कभी लिखे आंसर यहीं पे सर ने करंट अफेयर्स भी यहीं पे लिखवा दिया है पता नहीं दिक्कत की बात है वन बाई फोर करना पड़ा इधर उधर लिखे इसी में अकाउंटिंग किए सो गए मस्त सुबह डिप्रेशन उसके बाद नेक्स्ट डे पैक करके घर की तरफ रवाना

अवार्ड्स का मेन um, मकसद या फोकस ये नहीं होता है कि अवार्ड्स देकर काम निपटाया जाए नहीं डाइवर्सिटी शुड बी द की सबको मिलना चाहिए नॉन कोर कोर डोमेन डोमेन में में भी में भी मुझे बताइए स्टूडेंट्स क्या आप इस बात को सपोर्ट करते हैं कि नॉन कोर डोमेन में भी मिलना चाहिए प्राइजेस यस सो दिस नीड समीफॉर्म्स दिस साइंस एंड टेक्स सेक्टर अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेम एंड इंडिया लॉन्च इंडियाज राइज इन द स्टेम साइंस टेक इंजीनियरिंग मेडिसिन मैथ्स एग्रीकल्चर सेक्टर वी विल नॉट बी प्रोसीडिंग टाइप ऑफ मल्टीपल परमिशंस नीडेड ओके प्रांति स्वरूप भटनागर अवॉर्ड देख लीजिएगा सी एस आई आर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स और उसका फाउंडेशन डे और uh, किसे कहते हैं फादर ऑफ दिस फादर ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ सी एस आई आर एंड फादर ऑफ रिसर्च लेटरीज देख लीजिएगा एंड मेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के फील्ड में इंडिया नीड्स लिबरलाइजेशन नॉमसियस वी हैव ब्रॉड लिबरलाइजेशन इन द दिस इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमी फील्ड बट इन साइंस एंड टेक और साइंस एंड टेक के बिना आप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते हैं आपको ही पता ये बात नेक्स्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यहां अलग ही फंडामेंटल चल रहा है यहां फंडामेंटल ही गड़बड़ चल रहा है सारे कंट्रीज का ये पी फाइव कंट्रीज हैं एक ही बात सुनाते सुनाते साल बीत गया लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं बात P5 कंट्रीज हैं और पी फाइव कंट्रीज में ये इसमें पी थ्री है और पी टू है ये देखिए अब देखिए ये सर क्या कर रहे हैं आप ये सीसेट पढ़ा रहे हैं हम लोग को मैं सी सेट नहीं पढ़ा रहा हूं ये पी थ्री यूएस वाला कैंप है ये पी टू ये रशिया वाला कैंप है ये देखिए ये आपस में ही कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट किए हुए हैं जो नहीं होता है कि अगर कोई अटेंशन नहीं देता तो अटेंशन सीख करने के लिए कुछ ना कुछ दिखाएगा वहां पर कोई बंदा तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि मुझे अटेंशन दो मेरी तरफ तो ध्यान दो हम देखो तो ये कर रहे हैं ठीक है सो है लुक मीडियम पे मैं बताऊंगा ठीक है यहां देखिए अब पी थ्री यूएस लेड ग्रुप ने क्या किया रशिया ने जब यूक्रेन पे कंफ्लिक्ट शुरू किया अटैक किया तो पी थ्री केम आउट विद वेरियस रेजोल्यूशन टू क्रिटिसाइज रशिया

इस P5 के अलावा एक नॉन परमानेंट मेंबरशिप है टेन कंट्रीज का ये देखिए टेन कंट्रीज में इंडिया भी है और ये P5 इंडिया की तरफ बार बार देखते थे ऐसे करके रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं इंडिया की तरफ देख रहे हैं इंडिया ने कहा क्या देख रहे हो रेजोल्यूशन पहले सामने रखो ठीक है फिर बाद में बात करेंगे ओके okay, तो रेजोल्यूशन सामने रखा गया नहीं इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया क्या रिस्पॉन्स है इंडिया ने हर जगह पर एबेंड किया वोटिंग से एब्सेंट एबेंड का मतलब होता है वोट ना देना ना हाँ ना, ना ना नहीं वोट देंगे स्टूडेंट्स उसके उसके बाद क्या okay. उसके बाद क्या क्या हुआ हुआ नोट कीजिएगा ओके आफ्टर दैट रिसेंटली इस मंथ में कुछ चेंजेस हुए जिससे कि पी थ्री ग्रुप का थोड़ा मन खुश हो गया क्या चेंजेस थे समरकंद में मीटिंग हुई थी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये देखिए समरकंद में मीटिंग हुई एंड इंडिया 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 की तरफ से रशिया को बोला गया क्या कर रहे हो ओके okay. वॉर का समय नहीं है थोड़ा ठीक हो जाइए सो यूएस वाज लाइक अरे देखो इंडिया पहली बार बोला है अब तो कुछ होने वाला है इंडिया नेक्स्ट ये कहा यूएस से तुम क्या कर रहे हो एफ सिक्सटीन विमान दिए थे पाकिस्तान को रहे हो ंग यूएस ने कहा नहीं नहीं इसके पहले क्या बोले थे देखो रशिया के ऊपर एंड पी थ्री दे गॉट मोटिवेटेड करेगा रशिया के खिलाफ में वोट करेगा एबस्टेन नहीं करेगा इस बार इसके पहले भी इस समरकंद के इंसिडेंट के पहले वन मोर इंसिडेंट हेट अकर्ड ठीक है एंड दैट वॉज यूक्रेन के प्रेसिडेंट यूक्रेन के प्रेसिडेंट एड्रेस करने के लिए ऑनलाइन चाहते थे कि जूम पर मैं कम ऑफलाइन हर जगह चल रहा है क्लासेस चल रही है एजुकेशन की बाकी चीजें चल रही है तो क्यों नहीं बोल देने दीजिए वहीं से क्या दिक्कत है यूक्रेन से बोलेंगे यहां बोलेंगे सेम बात है, बोलना ही ना है तो इंडिया ने ऑनलाइन उनके सेशन के लिए वोट कर दिया नाउ यूएस वाज लाइक अच्छा यूक्रेन के लिए वोट किया यानी रशिया के खिलाफ में वोट किया है बात समझ में आ रही है एंड देन यूएस एक्सपेक्टेड दिस टाइम कि अब इस बार रशिया पे जब भी हम लेकर आएंगे रेजोल्यूशन इंडिया खिलाफ में वोट करेगा कौन सा रेजोल्यूशन टॉकिंग अबाउट Annex annexation of four regions of uh, uh, this uh, खरसोन जैफोर्जिया लुहानस एंड यू हर्ड अब तो रशिया ने रेफरेंडम होल्ड किया था वोटिंग होल्ड करवाया और वोटिंग में रशिया को फेवर मिला एंड उसी के बेसिस पर उसी के बेसिस पर ये चार रीजन के ऊपर ये लोग रेजोल्यूशन लेकर आए थे क्रिटिसाइज करने के लिए बट इंडिया अगेन एब एंड यूएस इतने दिन से इतना वेट कर रहे थे अचानक से दिक्कत हो गई ऑफिशियल से इंडिया हैज रिमेंड कंसिस्टेंट इन इट्स पुश फॉर डायलॉग ये देखिए इंडिया कह रहा कोई यहां सीधा नहीं है और इंडिया का कहना सही है इसीलिए इंडिया स्टडीड साइलेंस रख रहा है ये देखिए स्टडीड साइलेंस ये क्या होता है चुप्पी और सबको ऑब्जर्व करते हुए यस किसी एक साइड में नहीं जाना है इसको भी डांटना है इसको भी डांटना है इसको भी बोलना है इसको भी बोलना है एंड इसी को कहते हैं ऑटोनॉमी ये देखिए इंडिया इज नॉट गेटिंग प्रेशर अगर यूएस देख रहा है उसकी तरफ तो इंडिया कह रहा है कि क्या इधर क्या देख रहे हो पहले रेजोल्यूशन को पेश करो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ये देखिए इसी को कहा जा रहा है इंडिया का सेलेक्टिव अलाइनमेंट अप्रोच यस सेलेक्टिव अलाइनमेंट ये क्या होता है स्टूडेंट्स इंडिया जहां मन कर रहा है वहां अलाइन कर रहा है जिससे इट्स ओन वेस्टेड इंटरेस्ट यस दिस अ प्रैग्मेटिक रियलिस्टिक अप्रोच इन टूडेज जियो पॉलिटिक्स मुझे बताइए बात समझ में आ रही है नहीं स्टडीड साइलेंस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सेलेक्टिव अलाइनमेंट ये इंडिया का अप्रोच है मैं ये भी बता दूं रशिया रशिया को अगर आप कहिएगा कि रशिया सर बहुत ही रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर रशिया भी वैसे ही है चाइना भी वैसे ही है यूएस भी वैसे ही और यूके फ्रांस की बात ही मत कीजिए वो तो शुरू से ही वो ऐसे ही है यूएस ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो वालाई का टैग दिया हुआ है जोसे बाइडेन से पूछा गया इसका मतलब क्या होता है पता है देखिए एम एन एन ए मेजर नॉन नेटो अलाई टैग कहा मुझे नहीं पता मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान इज अ फ्रेंड इन द वॉर ऑन टेरर This is biasness of the world geopolitics. That's it. तो यहां से बस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी दिख रही है हमें ये देखिए स्टूडेंट स्टडीट साइलेंसिकॉमी एंड सेलेक्टिव अलाइनमेंट दिज थ्री फ्रेजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो यही है स्टूडेंट्स आज के सेशन की कहानी एफ ए क्यू फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में जितने भी टॉपिक्स आए हैं एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं द इंडियन एक्सप्रेस में और द हिंदू में हम लोगों ने कल ही देखा था दैट अबॉर्शन राइट सिंगल या अनमेरिड वुमन को इक्वल दे दिया गया है ठीक है एंड रिमेनिंग टू टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग कल देखने वाले हैं कल सुबह के सेशन में सो दैट्स इट स्टूडेंट्स आज आपने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर थोड़ा डिस्कशन देखा आज आपने इसके पहले शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस एंड टेक पेज पे आया हुआ है एंड इंडिया में रिफॉर्म्स चल रहे हैं शांति स्वरूप भटनगर अवार्ड को लेकर क्या सही है क्या गलत है उसको देखा आपने 45 ईयर से कम की उम्र में दिया जाता है ये। है ये ठीक उसके बाद आपने इसके पहले देखा स्टूडेंट्स इंटरनल सिक्योरिटी का न्यूज फिर इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण या स्वच्छ भारत अभियान उसके पहले स्टूडेंट्स यू सॉ समथिंग कॉल्ड एज ये कैमल देखिए कैमल पढ़ लीजिएगा जानलेवा ना हो जाए प्रम्स में आपके लिए ठीक है देखिए बैसिडियो देखिए कोटा एंड एस्को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर है कल की सेशन टाइमिंग सुबह में रहेगी ठीक है अप्रोक्सीमेटली सेवन थर्टी के आसपास ठीक है द बैसिडियो माइकोटा एंड एस्को ये देखिए और उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या है कॉर्डिसेपिन और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं आपने देखा और मेंस का एक क्वेश्चन देखा आपने यहाँ पर ये देखिए मेंस का क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर इंडिया कैसे अचीव करेगा क्लाइमेट चेंज गोल्स और उसके पहले आपने आ, दिस टाइगर सफारी देखा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर ये देखिए एंड उसके पहले बॉस्टर फैदान स्क्रिप्ट एंड इंडस वैली का सिविलाइजेशन का मिस्ट्री ये यहां लिखा हुआ है आज के लिए इतना काफी है कल सुबह साढ़े सात पौने आठ के आसपास सेशन रहेगा विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंटली दो आज के उठाएंगे एक चाइना का टॉपिक है चाइना के बिना कहा न्यूज पूरा होता है ठीक है और उसके बाद हम लोग कल का भी न्यूज देख लेंगे साइंस एंड टेक के सारे न्यूज हो गए यहां पर मैं बता दूंगा आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे जहां सवाल आ सकता है मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पर ओके